हेलो, सलाम अलैकुम जी। बिल्कुल वालेकुम सलाम। फिर क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे, कहाँ से? प्याजली बात कर रहा हूँ, रोहिला वाली से। ओ रोहिल्ला वाली, इम्तियाज यार, बड़े दिन हो गए हैं आपने तो। ओए आपका नंबर ही नहीं मिलता, ट्राई कर करके थक जाते हैं। आपके भी होए नंबर 11 बजे से ज्यादा हो गया। होए, यार ये मैं बड़ा ही बदनाम आदमी हूँ, लोग छोड़ते नहीं है, हर वक्त फोन ही करते रहते हैं। असल में टाइम पे मैं आला एक्स्ट्रा टाइम भी खोले रखता हूँ, और लेकिन अफसोस है कि बहुत ही एंगेज जाता है। देखा होगा सुबह से आप लगे होंगे ट्राई करने, वही ना 11 तो अभी। ओए होए होए, और फिर लोग आज लंबी भी काले बहुत ज्यादा हुई हैं। अच्छा जी, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं। मेरी जान, नई जो आती है पूछें। एक तो हमारे दूसरी मर्तबा बच्चा दिया है, दोनों मर्तबा बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। पहले 7वें महीने में उसको डिलीवरी हुई, आप जब पैदा हुआ है ना, आप भी मरा हुआ हुआ है, तो उसका कौन, क्या क्या किया? है, क्या ये गाय है? जी, गाय है, फीमेल गाय है। है, गाय के मां। हाँ, बच्चा मरा हुआ होता है, और उसको को साथ इसको जो हार्मोन्स हैं वो लगाते हैं टीके या नहीं, एहतियाती तौर पे? अब ये, अब आइंदा खुदा के लिए एक समझ लें, मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी गुजारिश होगी कि आपने इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आपने इसको प्रोजेस्टेरॉन के और जेंटामाइसिन के टीके लगाते रहना है, और वक्फे वक्फे से, ठीक है? वो आप डॉक्टर से भी मशवरा कर लें, और वो अगर कहेगा जी 3 महीने बाद लगा दें, 6 महीने बाद लगा दें, 9 महीने के बाद लगा दें, तो ये जब वक्फे वक्फे से, और ख़ास तौर पे पूरा बच्चा बनता है ना, और कितने महीने में अबॉर्शन वगैरह होती है? नहीं, अभी तो टायर पूरा लिया है, पहले 7वें महीने में, और आपको तो बल्कि 5-7 दिन ऊपर ले गई थी। 5-7 दिन ऊपर ले गई हैं, तो आपने कोई उसने कोई ज्यादा जोर वगैरह या कोई फंसी तो नहीं है बच्चा उसके अंदर? नहीं, जो डिलीवरी टाइम शुरू हुआ था 8 बजे सुबह, हाँ, और जो सुबह ही उस टाइम पे सारा पानी को निकाल दिया, जो पहले फर्स्ट टाइम जो कड़ी निकलते हैं, हम तो शायद कि उसको यही कहते हैं, आप शायद कुछ और कहते होंगे, हाँ तो उसने वो निकाली, सारा पानी निकल गया। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के बाद जो बच्चे के ना मुंह बाहर आए। वो असल में मिस हैंडल हो गया ना, ये बड़ा ही अल्लाह अकबर अल्लाह, इसको एक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, ये थेलेरिया भी होती है, एक बीमारी भी हो जाती है, गाय के बच्चे मर जाते हैं। हैं जी? जैसे जैसे फीमेल में अल्ट्रा होता है, शायद जानों में कोई ऐसी हाँ, चीज हो इसमें जो है तो इसको ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन होता है, 20 cc का, ठीक हो गया। एक ब्यूटालेक्स प्लस इसके अंदर लगा देते हैं, डेक्टोमैक्स है ये, इस तरह का 1 cc का। हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, रफत क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे, कहाँ से? मैं प्याजली बात कर रहा हूँ, रोहिला वाली से। ओ रोहिल्ला वाली, इम्तियाज यार, बड़े दिन हो गए हैं आपने तो। सर आपका नंबर ही नहीं मिलता, ट्राई कर करके थक जाते हैं। आपके ओए भी नंबर 11 होए बजे से ज्यादा हो गया। होए होए, यार ये मैं बड़ा ही बदनाम आदमी हूँ, लोग छोड़ते नहीं है, हर वक्त फोन ही करते रहते हैं। असल में टाइम पे मैं आला एक्स्ट्रा टाइम भी खोले रखता हूँ, और लेकिन अफसोस है कि बहुत ही एंगेज जाता है। देखा होगा सुबह से आप लगे होंगे ट्राई करने, वही ना 11 तो अभी। ओए होए होए, और फिर लोग आज लंबी भी काले बहुत ज्यादा हुई हैं। अच्छा जी, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं। मेरी जान, नई जो आती हैं पूछें। सर एक तो हमारे दूसरी मर्तबा बच्चा दिया है, दोनों मर्तबा बच्चा मरा हुआ
पहले 7वें महीने में उसको डिलीवरी हुई, आप जब पैदा हुआ है ना, आप भी मरा हुआ हुआ है। क्या है, क्या ये गाय है? जी जी गाय है, गाय है, गाय के माँ। हाँ, बच्चा मरा हुआ होता है जी। और उसको को साथ इसको जो हार्मोन्स हैं वो लगाते हैं टीके या नहीं, एहतियाती तौर पे? नहीं सर, इस वक्त नहीं लगाया। अब ये अब आइंदा खुदा के लिए एक समझ लें मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी गुजारिश होगी कि आपने इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए आपने इसको प्रोजेस्ट्रॉन के और जेंटामाइसिन के टीके लगाते रहना है, और वक्फे वक्फे से, ठीक है? वो आप डॉक्टर से भी मशवरा कर लें, और वो अगर कहेगा जी 3 महीने बाद लगा दें, 6 महीने बाद लगा दें, 9 महीने के बाद लगा दें, तो ये जब वक्फे वक्फे से, और ख़ास तौर पे पूरा बच्चा बनता है ना, और कितने महीने में अबॉर्शन वगैरह होती है? नहीं अभी तो टाइम पूरा लिया है, पहले 7वें महीने में आपको बल्कि 5-7 दिन ऊपर ले गई थी। 5-7 दिन ऊपर ले गई है, तो आपने कोई उसने कोई ज्यादा जोर वगैरह या कोई फंसी तो नहीं है बच्चा उसके अंदर? नहीं, जो डिलीवरी टाइम शुरू हुआ था 8 बजे सुबह। हाँ, और जो सुबह उस टाइम पे सारा पानी को निकाल दिया, जो पहले फर्स्ट टाइम जो कड़ी निकलते हैं, हम तो शायद बस को यही कहते हैं, आप शायद कुछ और कहते होंगे, तो उसने वो निकाली, सारा पानी निकल गया। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के बाद जो बच्चे के ना मुंह बाहर है, वो असल में मिस हैंडल हो गया ना, ये बड़ा ही अल्लाह अकबर अल्लाह। इसको एक लगाते हैं टीका लगाते हैं, ये थेलेरिया भी होती है, एक बीमारी भी हो जाती है, गाय के बच्चे मर जाते हैं। हैं जी, हाँ, इसमें है तो इसको ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन होता है 20 cc का, एक ब्यूटालेक्स प्लस इसके अंदर लगा देते हैं, टेक्टोमैक्स है ये, इस तरह का 1 cc का। ये कब लगाना होता है, नॉर्मली डिलीवरी के टाइम पे या पहले लगाते? ये डिलीवरी के टाइम, लेकिन नहीं, अब आइंदा जब होगा ना, आपने एक नंबर में दे देता हूँ, आपने उससे उसी वक्त आपने कांटेक्ट कर लेना है, हो सकता है उस वक्त कोई नई दवाई ना आ जाए कोई और इस तरह की नई चीजें। ये मेरे पास पुरानी थेलेरिया का जो है वो है कि बच्चे मर जाते हैं, कई दफा पैदा होके बाहर आते ही मर जाते हैं, और ये भी होता है, और इस तरह माँ को लगा देते हैं वो टीका, ब्यूटालेक्स का लगाते हैं, और साथ उसने मुझे बताया था कि डेक्टोमैक्स है, लेकिन आप उसका नंबर लिख लेना मीर हुसैन का। जी राइट सर, आप बता दें, मैं वैसे ही रोड पे आ जाएगा। रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं जी जी, रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपको मैं आप ना प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे ना, मैं उसी में दोनों करके ना आगे भेज दूंगा। नहीं, उसमें हो सकता है मैं ना दूं, पता क्यों, वो बहुत सारे लोग फिर उसको तंग करते हैं उस नंबर की वजह से, इसलिए चले मैं खुद ही आपको दे दूंगा मैं नंबर, मेरा मेरे पास आपका तो नंबर है ना, ठीक है? मैसेज कर दीजिएगा। हाँ, मैं मैसेज कर दूंगा या मैं आपको बता दूंगा, आपने उसका नंबर सेव कर लेना है, और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुदा ना, कब अभी डिलीवरी कब कोई एक्सपेक्टेड है इसकी, गाय की? अब तो होगी, कल हुई थी ना इसकी? नहीं, कोई और दूसरी, कोई जो हमारे दूसरे जानवर है, हमारे एक पहली गाय ने बच्ची दी थी ना, बच्ची दी थी अच्छी, वो ठीक है। सिर्फ इसी के साथ सिर्फ प्रॉब्लम होता है, इसके साथ प्रॉब्लम होती है, बाकी जो बाकी 7-8 जानवर है वो तकरीबन 15 दिन बाद सोने वाला है, कोई 3 महीने बाद सोने वाला है, सारे प्रेग्नेंट है। और लेकिन वो सही है, वो नॉर्मल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो नॉर्मल है। चले ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का मसला हो तो फिर
एक तो अगर अड़ गया हुआ हो और जल्दी डिलीवरी ना हो रही हो तो फिर भी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी तरफ से नहीं देना चाहता, ठीक है। वो उस वक्त ही माहौल को और सिचुएशन को सामने रखते हुए फिर वो लगाएंगे टीका, ठीक है। बाकी जानवर हमारे सुनने वाले हैं, एहतियाती तौर पर हम उनको कोई उनको इंजेक्शन वगैरह लगा दें। आपने जो है ना खातर शुरू कर दें, जो सुनने वाले हैं उनको खुराक अच्छी देनी शुरू करें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो अपनी भी, और अंदर जो बच्चा जन्म देगा वो भी हेल्दी हो। नहीं सर, वो तो हम बंडे वगैरह और आजकल हम मक्खन भी दे रहे हैं, हमें लग गया हाँ है मक्खन को गर्म बना के ना उसमें एक पाव के हिसाब से दे रहे हैं वो ताकि देते बच्चे। रहें, वो दें और वंडा वगैरह दें साथ, इसको को डीसीपी पाउडर दे दें जो आखिरी दिनों में खास तौर पे कोई खातर ज्यादा करें, और अल्लाह फजल करेगा बेहतर देंगी इंशाल्लाह। दूसरी एक है वो वहाँ युवक क्या है कि थन जी ब्लैक है, फुलझड़ी लगे तो क्या है, अब वो व्हाइट हो रहे हैं सारे हैवान क्या चीज व्हाइट हो रही है? हाँ हैवाने में जो थन है ना, हालांकि हाँ मोस्टली मोस्टली काले थे, आप ना पता नहीं क्या चीज उसको लगे, अब पहले एक थन व्हाइट होता है, उसके बाद दूसरा फिर तीसरा फिर चारों थन व्हाइट हो रहे हैं, क्या हो व्हाइट रहा है हो, जानवर में तुम्हें? व्हाइट हो रहे हैं। जी, अच्छा हाँ उसको कहते हैं कि जैसे बंदे को फुलझड़ी लगती है, एक आपके हाथ पे लगते हैं तो फैलती जाती है, मेरे ख्याल से शायद उसमें वही चीज ना हो, इस तरह की वबा ना हो, अगर इस तरह की है वो सामने नजर आती है। सॉरी सामने वैसे फेंक के नजर नहीं आता। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ जी अच्छा, बहरहाल इसका स्किन का अगर कोई मसला है ना तो फिर उसका देखना पड़ेगा, कोई एलर्जी से भी हो जाता है। चले इसका भी मैं देख के ना इसका भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यह कि मेरे हिसाब से तो एंटी एलर्जिक एविल वगैरह के टीका लगेगा, एवल का लगा देंगे तो, लेकिन फिर भी मैं कंसल्ट करके अच्छी तरह फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सर एक और जो हाँ जी हमारी एक और क्वाइंट सुना, जो 1 महीने बाद तकरीबन मैक्सिमम महीना निकालती है, हाँ वो जैसे ही उसके अंदर दूध जमा होता है वो दूध निकल जाता है हैवान से, और उसका पीछे से जो पिछली साइड वाला एक थन है वो भी छोटा हो रहा है, और मैं समझ नहीं आ रहा इसका क्या सिर है उसके कारण मैस्टाइटिस को। जब भी छोटा हो रहा हो थन या इस तरह की अबनॉर्मेलिटी हो तो दैट मींस के उसके मेस्टाइटिस का मसला है। तो मेस्टाइटिस का इलाज तो पता ही आपको, एंटीबायोटिक है या फिर देसी इलाज है वो मेरे शीशा नमक वाला ठीकरी नुशादर वाला वो करें, और फिर या उससे या एक होम्योपैथी का अडर फिट वो दें। सेफ साइड पे मैं जाना चाहता हूँ, कोई रिस्क ना लिया जाए। लास्ट मंथ इसलिए मैं भी एंटीबायोटिक नहीं मिला रहा, वही पर ना मुझे लास्ट ना मंथ, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म का भी हम लोग रिस्क लें। वैसे एक नॉर्मल उसको फैब्रोफिट मिलता है सीरप टाइप है, वो भी दे वो रहे हैं हाँ उसको, वो बच्चे भी नहीं है। फाइब्रोफिट और वो जो होता है ना ये अडर फिट, वे एक ही चीज है, ये होम्योपैथी की होती अभी नॉर्मल हमें कोई ये पिलाते रहे हैं। है। हाँ फाइब्रोफिट भी आप दे सकते हैं उसके में, लेकिन मुझे एक एक जगह कौन सी लैया किसी की थी, हकीम साहब थे, एक उनकी गाय का मसला था तो मैंने उनको फेब्रोफिट और अडर फिट का देता रहा, तो उनका तो बेचारों को मसला, लेकिन उनका नाड़ का था तो नाड़ जो उससे नहीं ठीक हुई, तो नाड़ वैसे नाड़ के लिए तो मेरा वो बड़ा फिट गया ये जो होम्योपैथी का कैल्केरिया फ्लोर 6X और कोनियम 200 और कास्टिकम 30 वो ये तो ठीक। मैं लोगों में वहां से भी मिले हैं, कल के अडर मैंने फिट पहले लिए दे हैं। वो जो फाइब्रो फिट है ये अडर फिट वो इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर झिझक के और उसका कोई नुकसान नहीं है। जी राइट, और दूसरा जो आपने शीशे नमक का जो फार्मूला दिया हुआ है देसी वाला है, हाँ उसके उसका पांच भी वो पांच पांच चार चीजें खुराकें बनाते हैं वो, अगर वो देख लें दे देना तो वो दे लें। इसको मैं
वही ना, ये है तो मेस्टाइटिस ही है ना, तो ये अंडर फिट या वो फाइब्रो फिट वो देख लें, तो उसकी 3 बोतलें पिला, रोजाना 1 बोतल पिला दे, 3 बोतलें पिला दे। मैक्सिमम कर दूंगा, वो थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, जो छींक मुझे आ गई थी ना तो वो मैं काट दूंगा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी बात है जो मैं नोट नहीं करता। चलो नए सिरे से भी बना दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है, ओके, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी लाहौर में ही है? जी सर, मैं अभी लाहौर में हूँ। लाहौर में ठीक ठाक चल रहा है लाहौर का सिलसिला? बेहतर हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और वो यार इन्होंने एक वो जो नीचे पानी, बारिश का पानी का जमा करने का, वो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया। जी सर, वो लक्ष्मी, उन्होंने क्या था ना कि लक्ष्मी लोहर का बैंड एक डाका था जो डूब जाता था, उन्होंने अंडरग्राउंड का पानी सेव किया है और जो रेस्क्यू बार में टू को भी देते हैं और आगे भी जाता है पानी वो। तो अब वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट उनका? जी सर, वो एक कंप्लीट हो गया, बाकी बन रहे हैं 3-4। वेरी गुड। तो उससे फर्क पड़ा है, पानी खड़ा नहीं होता? पानी नहीं, अब नहीं होता, अब लाहौर माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये इमरान खान की जिंदाबाद यार, ये है असल में काम ये करने वाले। जी सर, आप सही कह रहे हैं, हम तो बहुत दुआएं देते इमरान को, लोग अभी भी है जो उसको अच्छा नहीं समझते। वो नहीं 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 वो तो अल्लाह को भी नहीं समझ अच्छा समझते, जो नहीं समझता वो अल्लाह को भी गालियां देते हैं। वैसे एक तुर्की ने इस्लामिक ड्रोन बनाया, अब तक वो सही बना हुआ है, इमरान का इंडियन के पाकिस्तान के एरिया के सुपरवा मिले हुआ अलग है, सारे कटे हुए हुए हैं। क्या जी? एक ड्रामा चला है अब तुर्की का, और आज पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, तो उसमें जो किरदार दिखाते हैं ना, मेरे ख्याल इमरान का वो अर्तगल ही है, बाकी सारे मालिक मिले हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक। अच्छा, फिर दुआओं में याद रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अच्छी खबरें मुझे मिलती रहें। लेकिन मुझे दुख हुआ है आपकी जो गाय का जिसका बच्चा मर गया है, वो काश के मुझे पहले पता चल जाता ना, तो उस वक्त एक ऐसा इंजेक्शन वो लगा देते तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन रहना। चले, अल्लाह को जो मंजूर है अल्लाह नेमुल बदल देगा। और जहन में रखना है, जहन में रखना है ब्यूटालेक्स और डेक्टो मैक्स, ये इंजेक्शन जो है गाय का अगर बच्चा मर जाते हैं तो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मेरे पास पुरानी थलेरिया का जो है वो है कि बच्चे मर जाते हैं, कई दफा पैदा होके बाहर आते ही मर जाते हैं, और ये भी होता है, और इस तरह माँ को लगा देते हैं वो टीका, ब्यूटालेक्स का लगाते हैं। नहीं, अब तो हो गई, कल हुई थी ना, नहीं कोई और दूसरी, कोई जो हमारे दूसरे जानवर है, हमारे एक पहली गाय ने बच्ची दी थी ना, बच्ची दी थी अच्छी है, वो ठीक है। सिर्फ इसी के साथ सिर्फ प्रॉब्लम होता है, इसके साथ प्रॉब्लम होती है, बाकी जो बाकी 7-8 जानवर है वो तकरीबन 15 दिन बाद सोने वाला है, कोई महीने बाद सोने वाला है, सारे प्रेग्नेंट है। और लेकिन वो सही है, वो नॉर्मल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो नॉर्मल है। चले ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का मसला हो तो फिर एक तो अगर अड़ गया हुआ हो और जल्दी डिलीवरी ना हो रही हो तो फिर भी, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, अपनी तरफ से नहीं देना चाहता। ठीक है, वो उस वक्त ही माहौल को और सिचुएशन को सामने रखते हुए फिर वो लगाएंगे टीका। ठीक है, अगर हम जो बाकी ज्यादा हमारे सुनने वाले हैं एहतियाती तौर पर, उनको आपने जो है ना खातर शुरू कर दें, जो सुनने वाले हैं उनको खुराक अच्छी देनी शुरू करें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो अपनी भी, और अंदर जो बच्चा जन्म देगा वो भी हेल्दी हो। नहीं सर, वो तो हम बड्डे वगैरह और आजकल हम मक्खन भी दे रहे हैं, मक्खन को गर्म बना के ना उसको
वो वो हिसाब वो देते से रहें, वो दें और वंडा वगैरह दें, साथ इसको को डीसीपी पाउडर दे दें, जो आखिरी दिनों में खास तौर पे कोई खातर ज्यादा करें, और अल्लाह फजल करेगा बेहतर देंगी इंशाल्लाह। दूसरी जी क्या क्या चीज व्हाइट हो रही है? हैवान में जो थाने है ना, हाँ हाँ लेकिन मोस्टली मोस्टली दाने थे। आपको ना पता नहीं क्या चीज उसको लगे, पहले एक थान व्हाइट होता है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चारों थान व्हाइट हो रहे हैं, व्हाइट हो रहे हैं। जी, अच्छा उसको कहते हैं कि जैसे बंदे को फुलझड़ी लगती है, एक दांत के हाथ पे लगते हैं, ऐसे फैलती जाती है। मेरे ख्याल से शायद उसमें वही वही चीज ना हो, इस तरह की वबा ना हो, अगर वैसे सामने साथ नजर कुछ भी नहीं आता। अच्छा, बहरहाल इसका स्किन का अगर कोई मसला है ना, तो फिर उसका देखना पड़ेगा, कोई एलर्जी से भी हो जाता है। हाँ मेरे ख्याल से यही है कि उनके स्थान ना ब्लैक थे, ऐसे ऐसे ना वो व्हाइट हो, पहले एक होता है फिर दूसरा होता है। चलें इसका भी मैं देख के ना इसका भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है? लेकिन यह कि मेरे हिसाब से तो एंटी एलर्जिक एवल वगैरह के टीका लगेगा, एवल का लगा देंगे तो। लेकिन फिर भी मैं कंसल्ट करके अच्छी तरह फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ सर, एक और सर, जो जी, हमारी एक और क्वाइंस होता है जो 1 महीने बाद तकरीबन मैक्सिमम महीना निकालती है, वो हाँ जैसे ही उसके अंदर दूध जमा होता है, वो दूध निकल जाता है हैवान से, और उसका पीछे से जो पिछली साइड वाला एक थान है वो भी छोटा हो रहा है, और मैं समझ नहीं आ रहा इसका क्या सिर्फ है उसके बाद मैस्टाइटिस, तो। जब भी छोटा हो रहा हो थन या इस तरह की अबनॉर्मेलिटी हो, तो दैट मींस के उसके मेस्टाइटिस का मसला है। तो मेस्टाइटिस का इलाज तो पता ही आपको, एंटीबायोटिक है या फिर देसी इलाज है, वो मेरे शीशा नमक वाला, ठीकरी नुशातर वाला, वो करें, और फिर या उससे या एक होम्योपैथी का अडर फिट है वो दें। सेफ साइड पे मैं जाना चाहता हूँ, कोई रिस्क ना लिया जाए। वही ना, लास्ट मंथ मैं नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म का भी हम लोग रिस्क लें। वो हाँ, वो फाइब्रोफिट और वो जो होता है ना ये अडर फिट, वे एक ही चीज है, ये होम्योपैथी की होती है। हाँ, फाइब्रोफिट भी आप दे सकते हैं उसके, लेकिन मुझे एक एक जगह कौन सी लैया सी की थी, हकीम साहब थे, एक उनकी गाय का मसला था, तो मैंने उनको फेब्रोफिट और अडर फिट का देता रहा, तो उनका तो बेचारों को मसला, लेकिन उनका नाड़ का था, तो नाड़ जो उससे नहीं ठीक हुई, तो नाड़ वैसे नाड़ के लिए तो मेरा वो बड़ा फिट गया है, ये जो होम्योपैथी का कैल्केरिया फ्लोर 6X और कोनियम 200 और कास्टिकम 30, वो ये तो मैं लोगों में वहां से भी ले कल के अडर मैंने फिट पहले दे, किया वो जो फाइब्रो फिट आई है अडर फिट, वो इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर झिझक के, और उसका कोई नुकसान नहीं है। जी राइट सर। और दूसरा जो आपने शीशा नमक का जो फार्मूला दिया हुआ है, देसी वाला, हाँ, जिसमें उसका भी वो पांच पांच चाटी में, खुराकें बनाते हैं, वो अगर वो देख लें देना है तो वो दे लें। इसको मैं ये स्टेटस की वजह से उसका दूध भी नहीं ठहर रहा, दूध वही निकल ना, जाता है ये सारा। सिम है तो मैं स्टेटस ही है ना, तो ये अडर फिट या वो फाइब्रो फिट वो देख लें, तो उसकी 3 बोतलें पिला, रोजाना 1 बोतल पिला दें, 3 बोतलें पिला दें, ठीक जी राइट हो गया सर। है? सर कहने सर ये प्रोग्राम अपलोड कर दिया, मैंने लिखा कुछ भी नहीं है, तो अगर हो सके मुमकिन हो इसमें सके तो, क्योंकि मैक्सिमम बहुत सी कर चीजें दूंगा, मालूमात वो है थोड़ी सी एडिटिंग बहुत। करूंगा, जो छींक मुझे आ गई थी ना, तो वो मैं काट दूंगा। क्योंकि इसमें अच्छी खासी मालूमात है जो मैं नोट नहीं कर सका, चलो होगा मैं प्रोग्राम सुन के ना मेरी जान, मतलब। मेरी जान इम्तियाज जी, आपके लिए नए सिरे से भी बना दूंगा, कोई मसला नहीं, ठीक है? ओके, ठीक हो गया सर, दुआओं में याद ओके रखना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, बहुत अल्लाह हाफिज सर। अभी लाहौर में ही है?
सर मैं अभी लाहौर में हूँ। लाहौर में ठीक ठाक चल रहा है लाहौर का सिलसिला? अल्हम्दुलिल्लाह आप तो हालात भी बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और वो यार इन्होंने एक वो जो नीचे पानी, बारिश का पानी का जमा करने का वो बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किया। जी सर वो लक्ष्मी, उन्होंने क्या था ना कि लक्ष्मी जो उनका बहन एक काका था जो डूब जाता था, उन्होंने अंडरग्राउंड का पानी सेव किया है और जो रेस्क्यू बार में टू को भी देते हैं और आगे भी जाता है पानी। तो अब वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट उनका? जी सर वो एक कंप्लीट हो गया, बाकी बन रहे हैं तीन चार। वेरी गुड, तो उससे फर्क पड़ा है, पानी खड़ा नहीं होता? पानी नहीं अब नहीं होता, अब लाहौर माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये इमरान खान की जिंदाबाद यार, ये है असल में काम ये करने वाले। जी सर आप सही कह रहे हैं, हम तो बहुत दुआएं देते इमरान को, नए लोग अभी भी हैं जो उसको अच्छा नहीं समझते। ओ, नहीं 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 नहीं, वो तो अल्लाह को भी नहीं समझ अच्छा समझते, जो नहीं समझता वो अल्लाह को भी गालियां देते हैं। वैसे एक तुर्की ने इस्लामिक ड्रामा बनाया अब तक, वो सही बना हुआ है इमरान का, एक एक बाकी तरफ से एरिया जो दूसरे वहां मिले हुआ अलग है, सारे इकट्ठे हुए हुए हैं। क्या जी एक ड्रामा चल रहा है अर्थगोल तुर्की का, और आज पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, तो उसमें जो किरदार दिखाते हैं ना मेरे ख्याल इमरान का वो अर्थगोल ही है, बाकी सारे मालिक के मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा फिर दुआओं में याद रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और अच्छी खबरें मुझे मिलती रहे। लेकिन मुझे दुख हुआ है आपकी जो गाय का जिसका बच्चा मर गया है, वो काश के मुझे पहले पता चल जाता ना, तो उस वक्त एक ऐसा इंजेक्शन वो लगा देते तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन रहना। चले अल्लाह को जो मंजूर है अल्लाह नेमुल बदल देगा। और जहन में रखना है, जहन में रखना है ब्यूटालेक्स और डेक्टोमैक्स, ये इंजेक्शन जो है गाय का अगर बच्चा मर जाते हैं वो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ, हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि वो अरफे के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी अरफात से वापस लौट रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सख्त डांट मार और ऊंटों के बड़बड़ाने की आवाज सुनी, तो आपने अपने कोड़े के साथ उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ लोगो सुकून से चलो, इसलिए कि तेज रफ्तारी नेकी नहीं है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें, फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।